नवनियुक्त शिक्षक जो बहाल हुए हैं, जिनको 3 माह से अभी वेतन नहीं, 3 माह से ऊपर हो गया, अभी वेतन की कोई प्रक्रिया ही शुरू नहीं हुई है, जो 2-3 वर्ष पहले जिन शिक्षकों की मृत्यु हो गई है मुजफ्फरपुर जिला में, उनके आश्रितों को अभी तक अनुकंपा का लाभ नहीं मिल पाया है। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा आज मुजफ्फरपुर समारोह परिसर में धरना दिया जा रहा है। क्या मुद्दे हैं, इस पे हम इससे चर्चा करेंगे। सर, क्या मतलब किस मुद्दों पे आप लोग धरना कर रहे हैं? मुख्य रूप से नवनियुक्त शिक्षक जो बहाल हुए हैं, जिनको 3 माह से अभी वेतन नहीं, 3 माह से ऊपर हो गया, अभी वेतन की कोई प्रक्रिया ही शुरू नहीं हुई है, जो उनको कई माह अब लगेगा अभी और कई माह मैंने वेतन देने में। मुख्य रूप से नव नियुक्त शिक्षकों की वेतन भुगतान की प्रक्रिया अविलंब प्रारंभ किया जाए। साथ ही साथ जिले में 3 महीने से शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है और एरियर का जो भुगतान है सभी बकाया है, और 15% वृद्धि के साथ जो वेतन भुगतान करना था इससे पूर्व का जो एरियर है वो अभी तक मुजफ्फरपुर जिला में भुगतान नहीं हो पाया है। बल्कि मुजफ्फरपुर के आस पड़ोस के जो ज़िले हैं, मोतिहारी हो, शिवहर हो, सीतामढ़ी हो, इन ज़िलों में भुगतान हो चुका है एरियर का, मुजफ्फरपुर ज़िला में। इसलिए हम मांग करते हैं कि अविलंब वेतन भुगतान सहित सभी प्रकार के एरियर का वेतन भुगतान किया जाए। साथ ही साथ जो 2-3 वर्ष पहले जिन शिक्षकों की मृत्यु हो गई है मुजफ्फरपुर जिला में, उनके आश्रितों को अभी तक अनुकंपा का लाभ नहीं मिल पाया है। इसलिए अनुकंपा का लाभ भी अविलंब दिया जाए। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम लोग आज जिला मुख्यालय सरकार के द्वारा लगातार प्रमाण पत्र की जांच को लेकर बात की जा रही है कि जब तक प्रमाण पत्र जांच नहीं होगा अब उनका भुगतान नहीं होगा, इसके बारे में क्या कहना है? इससे पूर्व भी हम लोग सरकार को लिखे थे, पदाधिकारी को लिखे थे, पूर्व मैंने प्रमाण पत्रों की जाँच करने के बाद ही शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाए, लेकिन सरकार तो अपनी वाहवाही लेने के चक्कर में, अपनी डाटा को दिखाने के चक्कर में, जो हमने अपने इतना नियुक्ति किया इसके चक्कर में सरकार लगी हुई थी। हम लोग तो पहले ही मांग रख चुके थे। आप खुद सोचिए, चाहे कोई सरकार सोचे, जो 3 महीना से स्कूल जा रहे हैं, स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं उनकी अपेक्षाएं बढ़ जाती है। समय अपना दे रहे हैं विद्यालय में, वेतन नहीं मिल रहा है, तो निश्चित रूप से उनको जो है असंतोष, निश्चित रूप से असंतोष होगा। अगर उनको नियुक्त नहीं हुए रहते तो इस तरह की असंतोष नहीं होता। प्रमाण पत्र की जांच पहले ही करा लेते, और प्रमाण पत्र की जांच जो है यह कछुए की चाल चल रही है। आप इसकी बात कर रहे हैं, प्रमाण पत्रों की जांच तो अभी 2010 में 14 में बहाल हुए, उनका भी अभी तक जांच नहीं हो पाया है। तो सरकार की यह स्थिति है। तो ये झूठ फूस को मैंने वेतन नहीं देने के, झूठ फूस को परेशान करने का तरीका है, ये कोई जाँच करने का मैंने सही तरीका नहीं है। बेसिक ग्रेड के स्नातक योग्यताधारी शिक्षक जो 8 वर्षों की सेवा पूर्ण, हाँ, ये क्या मामला है? यह मामला है, नियावली है 2012 एवं 2020 में जो नियावली बना 2006 में, तथा संशोधित नियावली 2012 एवं 2020 में सरकार का स्पष्ट आदेश है कि 12 वर्षों की सेवा पूरी करने वाले बेसिक ग्रेड के शिक्षक, सभी शिक्षक को अगले वेतनमान स्नातक ग्रेड वेतनमान में प्रोन्नति दिया जाए। और बहुत सारे जिले ऐसे हैं बिहार में जो प्रोन्नति दिया गया है, और 2 साल से उनका वेतन भुगतान भी हो रहा है इसी बिहार के अंदर में। बेसिक ग्रेड के स्नातक योग्यताधारी शिक्षक जो 8 वर्षों की सेवा पूरी कर लिए हैं, उन्हें उक्त नियमावली में निहित प्रावधानों के तहत स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दी जाए। जो जिला का, बिल्कुल यह जिला का मामला है, जिला के पदाधिकारी का मामला है, डीओ का मामला है, इसमें कहीं से कोई सरकार से आदेश लेने की जरूरत नहीं है। पहले से ही नियावली को देखने से ही स्पष्ट लग रहा है इसमें पदाधिकारी के कहीं ना कहीं उदासीनता उजागर है, पदाधिकारी करना नहीं चाह रहा है। और इसको हम लोग प्रमुखता से मैंने डीएम साहब के यहाँ इस बात को रखे हैं। डीएम साहब क्या बोले? डीएम साहब बोले हैं कि 1 सप्ताह के अंदर में इन जो मांग पत्र आपका है इस पर हम सभी पदाधिकारी आदेश दे रहे हैं, और सभी पदाधिकारी को यह जो है से
अभिलंब इसको जो है लागू करने के लिए बताया गया है डीएम साहब। क्या सर शुभ नाम हुआ आपका? जितेंद्र कुमार यादव, जिला अध्यक्ष, बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ, जिला इकाई मुजफ्फरपुर। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नव नियुक्त शिक्षकों का वेतन भुगतान।